नवगछिया का आतंक, 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी छोटवा यादव अपने दो सहयोगियों के साथ एसटीएफ और नवगछिया पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्थे चढ़ गया। इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। पूछताछ के दौरान छोटवा ने पुलिस के समक्ष कई चौंकाने वाले खुलासे किए, साथ ही संरक्षण देने वाले कई सफेदपोश के नाम का खुलासा किया है। वहीं पुलिस छोटवा की निशानदेही पर कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। नवगछिया एसडीपीओ परवेंद्र भारती ने छोटवा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि छोटवा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मंगलवार की सुबह किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में विशु राउत पुल से नवगछिया की ओर आ रहा था। तभी एसपी निधि रानी के निर्देश पर एसटीएफ टीम के साथ नवगछिया पुलिस ने पुल के समीप घेराबंदी की। इस दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराधी हथियार लहराते आ रहा था, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी भागने में सफल रहा, जबकि छोटवा अपने दो साथियों के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन, 2 देसी कट्टा, 25 जिंदा कारतूस सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। कुख्यात अपराधी छोटवा पर विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज है। छापेमारी टीम में नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, श्रीकांत भारती, एसटीएफ जवान और पुलिस बल मौजूद थे। छोटू यादव अपने कुछ गैंग के साथ नवगछिया की तरफ फिर कोई घटना करने आ रहा है, तो हम लोग विश्वरोध पुल के पास वहीं पे पहुंचे थे। उधर से 2 मोटरसाइकिल पर 3-3 करके 6 आदमी आ रहा था। पुलिस को देख के रुकने का हम लोग प्रयास किए तो फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक मोटरसाइकिल निकल गया, दूसरा मोटरसाइकिल, फिर पुलिस द्वारा बताया गया कि हम लोग पुलिस ने फिर भी फायर कर रहा था, तो फायरिंग पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग एसटीएफ और नवगछिया जिला पुलिस की तरफ से की गई। उसमें वो मोटरसाइकिल छोड़ करके भागने का प्रयास करने लगा। उसी भागने क्रम में उसे खदेड़ करके पकड़ा गया। पकड़ा गया अपराधकर्मी में एक छोटू यादव, छोटू यादव जो कुख्यात अपराधकर्मी है, उसे कार्रवाई के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके साथ बरुंजय ठाकुर और एक अन्य अपराधकर्मी राजेश यादव जो है, जो रंगड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में दवा दुकानदार की लापरवाही से एक बेजुबान की जान चली गई। एक ओर जहां लॉकडाउन में सरकार के साथ सामाजिक संगठन और युवा जरूरतमंदों की मदद को आगे आ रहे हैं, वहीं बीमार पड़ चुके पशु की मृत्यु दुकानदार की लापरवाही से होना मानवता को शर्मसार करती है। दरअसल हसनपुर गांव के ब्रह्मदेव मंडल की दुधारू गाय की तबीयत खराब होने पर ब्रह्मदेव मंडल ने पशु चिकित्सक डॉक्टर वसुदेव से गाय की समस्या बताई, जिसके बाद चिकित्सक ने गाय की जांच कर दवा की पर्ची दी। डॉक्टर के द्वारा बताए दवा को लेने ब्रह्मदेव मंडल जगदीशपुर बाजार स्थित अंजना मेडिकल पहुंचा, जहां दुकानदार ने पर्ची देख कर एक्सपायरी दवा पशुपालक को सौंप दिया। पशु की बीमारी से परेशान ब्रह्मदेव मंडल ने घर जाकर बिना देखे ही गाय को एक्सपायरी दवा दे दी, जिससे गाय की तबीयत और बिगड़ने लगी। गाय की समस्या बढ़ता देख पशुपालक ने डॉक्टर को इसकी सूचना दी, तो डॉक्टर ने गलत दवा देने की आशंका व्यक्त की और जांच करने की बात कही, लेकिन दूसरे ही दिन गाय की मौत हो गई। गाय की मौत से आहत पशुपालक ने जब दवा की एक्सपायरी डेट की जांच की तो पाया 5 माह पहले ही दवा एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दवा व्यवसाय जैसे महत्वपूर्ण पेशे से जुड़े अंजना मेडिकल द्वारा पशुपालक को एक्सपायरी दवा दी गई, जिसके कारण बेजुबान की जान चली गई। घटना के बाद ब्रह्मदेव मंडल ने मामले की सारी जानकारी जगदीशपुर थाना अध्यक्ष को दी, तो पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि घटना के 3 दिन बाद भी मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब हो कि दवा दुकानदार की लापरवाही से गाय की मौत से जहां पशुधन की हानि हुई, वहीं दुधारू गाय की मौत होने से पशुपालक को आर्थिक रूप से भी काफी क्षति हुई है। दवाई निकाल करके टेबल पर रखा, उसके बाद काले पॉलिथीन में बंद करके हमको दे दिया। हम सोचे मेडिकल में तो दवाई मैंने एक्सपायर नहीं होगा, लेकिन वहाँ से लाने के बाद जब गाय को खिलाए, खिलाने के बाद थोड़ा पहला डोज में कम हुआ, सुबह 9 से 10 के बीच में हम लाए थे उनके यहाँ से दवा, वहाँ से ला करके तुरंत खिलाए। खिलाने के बाद शाम को फिर दूसरा डोज दिए तो गाय ठीक था मेरा। जब रात में उसको दोनों डोज का दवा भीज गया, उसके बाद सुबह ना तो खाना खाया हूँ और ना ही खड़ा रहने लगा। रमजान का पवित्र महीना 24 या 25 अप्रैल से शुरू होगा।
लॉकडाउन में रमजान शुरू होने से मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों से पंचगाना और तारावीह की विशेष नवाज अपने घरों में ही रहकर पढ़ने का ऐलान किया है। भागलपुर खानकाह शहबाजिया और खानकाह पीर दमड़िया की ओर से अपील की गई है कि लॉकडाउन को देखते हुए सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाए। वहीं बिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नशीम अहमद अशरफी ने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन पर अमल करें। मौलाना नशीम अहमद ने सभी लोगों से कोरोना वायरस को लेकर बेवजह अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है। कोरोना ने तहलका मचा दिया है, बहुत सारे लोग जहाँ बहक हो गए, कोरोना के जद में आ गए, बहुत सारे लोग मरीज हो गए। हम यही पूरी मिल्लत से पूरे हम हिंदू और मुस्लिम तमाम भाइयों से अपील करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में मुसलमान इबादत करें, हमारे हिंदू भाई भी पूजा पाठ करें और हमारे मुसलमान भाई तरावीह की नमाज अपने घर में पढ़ें, इनफरादी पढ़ें और दूरी बना के रहें और सरकार का भी साथ दें, प्रशासन का साथ दें, इसलिए कि हम लोग सब इसी शहर में बसने वाले हैं। अगर कोई एक फर्द उससे मुतासिर हो जाता है, पूरा घर हो जाएगा, मोहल्ला हो जाएगा, उससे फैल जाएगा। एक तरफ जहां लोग सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया बिछड़े हुए परिवार को भी मिला रहा है। बुधवार को भागलपुर के सबौर स्टेशन पर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल भुवनेश्वर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार की मां मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण भटककर 2 माह पूर्व सबौर पहुंच गई थी, जिसके बाद वह स्टेशन परिसर में ही इधर उधर घूमती रहती थी। वहीं कुछ लोगों ने महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद नरेंद्र कुमार को इसकी जानकारी मिली। वहीं बुधवार को एम्स ऑफिसर को सोशल मीडिया ने उनकी बिछड़ी हुई मां से मिला दिया। इस दौरान भागलपुर पुलिस ने उड़ीसा से आए अतिथि का भरपूर सहयोग किया। लॉकडाउन को लेकर भागलपुर के विभिन्न थानों में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ, जिला प्रशासन, आरपीएफ एवं जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में हैंडवॉश, मास्क, सैनिटाइजर एवं हैंड ग्लव्स का वितरण किया गया। संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने जगतगुरु अनंताचार्य जी महाराज की अगुवाई में जोगसर थानाध्यक्ष समेत सभी जवानों को मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लव्स वितरित किया। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन में लगातार संघ की ओर से जागरूकता अभियान और सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संघ ने जिला प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थानों में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर आवश्यक सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि दिन रात सड़कों एवं अस्पतालों पर अपनी सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसी को लेकर सभी थाना में अधिकारी और पुलिस कर्मियों के बीच सुरक्षा सामग्री वितरित किया जा रहा है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ, जीआरपी एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग कोरोना वायरस को लेकर सभी थाने में हैंडवाश से लेके हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं सभी जवानों के बीच में, ताकि उनकी भी सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी है। इसको देखते हुए आज आदमपुर थाना में जगतगुरु अनंताचार्य जी महाराज जो वृंदावन से पधारे थे, उनके सानिध्य में आज आदमपुर थाना में हम लोगों ने जवानों के बीच में थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में सभी जवानों को उपलब्ध कराया। साथ ही साथ हम लोग पूरे भागलपुर जिला में सभी थाने में उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि इसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके और जो जवान हमारी ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटा लगे हुए हैं, उनकी भी जान माल की पूरी सुरक्षा अच्छे से हो। यहाँ मैं आया था कोविड-19 को, जो एक लड़ाई देश में चल रही है, कोविड-19 को हराना है, उसी उद्देश्य से यहाँ सैनिटाइज, हैंड ग्लव्स और ये मास्क वितरण करने के लिए हम लोगों का आना हुआ था, और जिससे कि कोविड-19 को, कोरोना वायरस को, यह भारत सफलतापूर्वक उसको परास्त कर सके, उसे हरा सकें और भारत की जीत हो और कोरोना वायरस की हार हो। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एच आई फारूक की देखरेख में किया जाता है,
डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। बैंक की शाखाओं और ग्राहक सेवा केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी बैंकों को टोकन सिस्टम के माध्यम से राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। दरअसल लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा जनधन खाता धारकों को सहायता राशि भेजी गई है, जिसे निकालने के लिए प्रतिदिन बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं बुधवार को नाथनगर सीओ राजेश कुमार बैंक के बाहर लगी भीड़ को हटाने के लिए एक्शन में दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सीओ साहब को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि जनधन खाते में सरकार ने डीबीटी के जरिए राशि भेजी है, लेकिन एक सप्ताह या 10 दिनों में खाता से राशि नहीं निकाली गई तो स्वतः लौट जाने की बात पूरी तरह अफवाह है। डीएम ने सभी खाता धारकों से अफवाहों से बचने की अपील की है। बैंकों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू करें और इसके अतिरिक्त हम लोग पूरे लोगों से भी अपील करते हैं कि जो राशि उनके खाते में गई है वो राशि उनके खाते में ही रहेगी। अकाउंट स्टेटमेंट लेने के लिए राशि कितनी है इसको जानकारी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से भी कोऑर्डिनेट किया गया है कि उनके माध्यम से आजकल बैंक पोर्टेबिलिटी है, एक बैंक के खाते के पैसे को डाकघर के माध्यम से भी निकाला जा सकता है, तो निकटस्थ डाकघर का प्रयोग करें। प्लस डाकघर के लोग जो हैं वो घर जाकर भी पैसा पहुंचवा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को सुविधा प्राप्त करनी और पैसे की आवश्यकता तुरंत नहीं हो तो बैंक में न जाएं, अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है, इसको सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स का भागलपुर के घंटाघर चौक के समीप भारतीय मजदूर संघ की ओर से स्वागत किया गया। संघ के द्वारा जगदीशपुर सीओ सोनू कुमार भगत समेत कई कर्मियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों एवं मीडिया कर्मियों को भी माला पहनाकर संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कोरोना महामारी के बीच काम करने एवं आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखने को लेकर संघ के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजेश कुमार लाल ने कहा कि लॉकडाउन में सभी लोग घरों में ही हैं, लेकिन आम लोगों की जरूरत एवं सुरक्षा के लिए सड़कों पर अपनी ड्यूटी देने वाले कोरोना वॉरियर्स सम्मान के पात्र हैं। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुमन सोनी, जिला मंत्री चितरंजन पांडे, राकेश पटेल एवं राजेश गुप्ता के अलावा कई सदस्य मौजूद थे। लाल, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश मंत्री का दायित्व, कंस्ट्रक्शन का पूरे बिहार का महामंत्री का दायित्व है। मैं हम लोग देखें, जो प्रेस वाले जो हैं अपने जान में जोखिम लगा के और हर जगह का हम लोग को समाचार सुनाते हैं, कौन इलाका में कितना है कितना नहीं है वो अपने इसमें, इसलिए हम लोग सोचे जो प्रेस वाले का सबसे पहले हम लोग प्रेस वाले को सम्मानित करेंगे और सफाई कर्मचारी और इनका पुलिस में जो हैं उन लोग को हम लोग को सम्मानित करना है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बिहार सरकार से हमारी मांग है, कंस्ट्रक्शन का महामंत्री होने के नाते जो यहाँ पर जो है आपका हम लोग डिमांड किए हुए थे जो 55,000 रुपया दिहाड़ी मजदूर को, जो मेरा रजिस्टर्ड मजदूर है जिसका पैसा कल्याण बोर्ड में जमा है उसको 55,000 रुपया महीना उसको दें, और जिसका मैंने राशन कार्ड नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर, क्या कि सरकारी तंत्र में कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत मैंने दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसका बहुत सा प्रोसेस होता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को मात देने के लिए लॉकडाउन में पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। वहीं इन कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए भागलपुर में कई लोग आगे आ चुके हैं। बुधवार को नगर निगम वार्ड संख्या 10 के साहिबगंज में समाज सेविका पुष्पा सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा और आनंद कुमार और शशि भूषण भारती ने सबसे पहले सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इसके बाद पुष्पा सिंह ने पार्षद पाकिजा, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल और वार्ड प्रभारी मोहम्मद बहाव खान को वार्ड में बेहतर सफाई कराने के लिए पुरस्कृत किया। इस दौरान समाज सेवियों ने सफाई कर्मियों के बीच खाद्य सामग्री का भी वितरण किया।
वहीं सम्मान पाकर निगम के सफाई कर्मी काफी खुश दिखे। मौके पर राजीव अम्बस्ट और मोहम्मद वजीर खान ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियम का पालन करने की बात कही। पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल ने कहा कि सफाई कर्मियों के बिना वार्ड की सफाई संभव नहीं है। लॉकडाउन में नगर निगम के तमाम एकमनों को मैं सम्मानित करता हूं विचार से कि ये लॉकडाउन में अपने जान जोखिम में डाल कर भी वार्ड में काम कंटिन्यू कर रहे हैं और लोगों को अपना व्यवस्था सुविधा दे रहे हैं और एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट करते हैं कि सरकार के बताए हुए लॉकडाउन में पालन करें, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें और सैनिटाइजर जगह जगह करवा रहे हैं, ब्लीचिंग करवा रहे हैं। इसी ढंग से तमाम आज समाज के लोग आनंद जी और सभी लोग मिल करके वो सम्मानित करने का विचार बनाए। समाज में ये लोग ही मेन वर्क करते हैं जिनके चलते हम लोग सुरक्षित और अच्छे से रह पाते हैं, तो इन लोग के लिए शुरू से हम लोग का सादर सम्मान है। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन को लेकर सामाजिक संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव भी इस संकट की घड़ी में गरीब एवं असहाय लोगों के लिए राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विगत 3 सप्ताह से विजय कुमार यादव गरीब परिवारों के लिए भोजन के साथ सूखा राशन एवं आर्थिक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे दर्जनों घरों में चूल्हा जल रहा है। इसको लेकर विजय यादव ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा गरीबों की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला परिषद की उपाध्यक्ष आरती कुमारी, ललमटिया थानाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव एवं सीओ राजेश कुमार समेत कई लोगों का सहयोग उन्हें निरंतर मिल रहा है। अभी तक तो जिससे मैं अभी 25वां दिन आज है लगातार 25 दिन से कंटिन्यू जो है 200 से 250 परिवार के बीच प्रत्येक दिन जो राशन वितरण कर रहे हैं और करीब 500 पैकेट खाना का मेरा प्रत्येक दिन अभी 25वां दिन आज चल रहा है खाना का पैकेट विभिन्न जगह पे। अब ये भागलपुर जिला के 51 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में मैं जो है घूम घूम के जहाँ भी जो लोगों को जरूरत पड़ता है वहाँ जाके मैंने राशन भी वितरण किया है प्लस खाना भी प्रत्येक दिन पहुँचाया जाता है। अब तक लगभग 7,000 से अबव लोगों के बीच जो है राशन पहुँचा चुके हैं। करीब करीब 500 लोगों को पर डे खाना जा रहा है, आज 25वां दिन जा रहा है। तक ये नरेंद्र मोदी सरकार का जो लॉकडाउन का जो आह्वान है, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये चालू रहेगा सेवा। भागलपुर के घंटाघर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविर में काफी संख्या में गरीब एवं असहाय लोगों को भोजन कराया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे राहत शिविर में जगदीशपुर सीओ सोनू कुमार भगत की निगरानी में भोजन कराया जा रहा है। इस दौरान राहत शिविर में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन के निर्देश पर कपड़ा, बर्तन, साबुन, सैनिटाइजर समेत जरूरत का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। सीओ सोनू कुमार भगत ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन लागू रहने तक जिलाधिकारी के निर्देश पर जरूरतमंदों के लिए शिविर में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिसे भी भोजन की समस्या है वो शिविर में आकर भोजन कर सकता है और लोगों की समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा राहत शिविर माननीय मुख्यमंत्री जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सहायक समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता महोदय और वरीय उप समाहर्ता आपदा शाखा, यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए थे उनको वस्त्र दिए, बर्तन दिए, कपड़ा उपड़ा दिए, उनके सहयोग से सारा वितरण हुआ और सारे लोग अभी खाना खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसी यहाँ भी व्यवस्था है कि जिनके पास अपने घर के लिए चाहिए नहीं ले जा पाते, उनके लिए टिफिन भी अलाउ है कि आप टिफिन लेके आएँ, अपने घर के लिए जितने परिवार हैं उनका खाना ले जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में गरीब एवं मजदूर परिवारों को जिला पार्षद सह राजद नेता डॉक्टर अशोक कुमार आलोक द्वारा लगातार राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। बुधवार को डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने जगदीशपुर प्रखंड के दाऊद चक एवं सदरुद्दीन चक में 100 से अधिक गरीब परिवारों के बीच राशन का वितरण किया। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के नेतृत्व में अंबई, मंसर, मोहनपुर, मधुसूदनपुर, गनौरा, बादरपुर समेत कई गांव को सैनिटाइज किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने बताया कि राहत सामग्री वितरण के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और सभी से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील की जा रही है। इस अभियान में संजीव शर्मा, उमेश यादव, सूरज, संतोष, मिट्टू, विकास कुमार समेत कई युवाओं ने अपना सहयोग दिया। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी थानों में सोशल डिस्टेंसिंग से कार्य किया जा रहा है।
सभी पुलिस पदाधिकारी, सहायक और जवान थाना में दूरी बनाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं ततारपुर थाना में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को टनल में सैनिटाइज होने के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। थाना परिसर में सभी कर्मी सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, साथ ही मास्क लगाकर फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। ड्यूटी में मुस्तैद जवानों ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए थाना आने वाले सभी लोगों से सैनिटाइज होने की अपील की जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है। बांका शंभुगंज थाना क्षेत्र के खपड़ा गांव में नाला सफाई को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शंभुगंज पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए शंभुगंज PHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए मनोरमा देवी एवं मोहम्मद अफ्ताफ को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव के पूर्व ताती के यहां श्राद्ध कर्म को लेकर घर की साफ सफाई का काम चल रहा था। इसी बीच नाले की गंदगी सड़क किनारे रखने को लेकर एक महिला ने आपत्ति व्यक्त की, जिसके बाद संतोष ताती के पक्ष के लोगों की पिटाई दूसरे पक्ष के लोगों ने कर दी। देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ गया। मामला लाठी डंडे, तलवार एवं पत्थरबाजी तक बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही BDO सुरेंद्र प्रसाद, CO परमजीत सिरमौर एवं थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को काबू किया। वहीं घटना को लेकर SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।